हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग व्लॉग है। अभी मम्मा मेरी जब चली जाती है तो मुझ पर कितना सारा काम का प्रेशर आ जाता है और मैं पूरे दिन क्या क्या करती हूँ वो आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। तो अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। घर गई है, आने का तबीयत बहुत तेज़ ख़राब है तो वह गई है, कुछ दिन में आ जाएगी। मम्मा कितना सारा काम करती है, सबकी मम्मा, और वो सारा काम मेरे सर पे आ जाता है। कपड़ा थे वो सब मैंने चपोत लिया है और अब बारी है झाड़ू की। झाड़ू लगाने तो मम्मा रहती है, मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, मैं कोई और काम कर लूँगी, पर मैं मुझे झाड़ू नहीं होता यार। मैं यहाँ पे आलू को करने वाली हूँ बॉयल। आज बनने वाला है लौकी, जो कि मुझे लौकी भी काटना पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। और मेरी बहन मस्त आराम से अभी तक सो रही है, क्योंकि बड़ी बहन रहने का यही फ़ायदा है। मुझे अपना मतलब किसी को बोलना उतना पसंद नहीं है, मैं मुझे जो लगता है जैसे लगता है अपना फटाफट कर लेती हूँ। तो कद्दू को कर लिया है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो उसका छिलका है वो मैंने रिमूव कर लिया है। फाइनली बहुत सारा मेहनत करने के बाद जैसे तैसे मैंने इसे कट कर लिया है। बनाने में तो उतना हार्ड नहीं है, ईजली है, बन जाएगा। और मेरा आलू भी बॉयल हो चुका है तो फटाफट सब्जी भी बना लेते हैं। हमारी सब्जी यहाँ पे रेडी है। तो ये मेरा यहाँ पे है चिल्ली फ्राई। हम लोग तीखा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हम लोग ने एक्स्ट्रा चिल्ली फ्राई करके रखते हैं। और ये आलू का भरता, जिसे चोखा भी बोलते हैं, वो इसे अभी मैश करना बाकी है। काम हो चुका है तो अब मैं खुद भी रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया है। और पता नहीं क्यों आज सुबह से ही लाइट कटा हुआ है, बहुत टाइम हो गया अभी तक लाइट नहीं आया है, तो पीने वाला पानी ख़त्म हो चुका है। पे हो गई हूँ रेडी और फ्रेश, और मैंने यहाँ पे ड्रेस भी चेंज कर लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ काम के लिए बाहर जाना है। अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, जो कि डेली मॉइस्चराइज़र मैं बायोटेक का यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सनस्क्रीन, जो कि मेरा डेली रूटीन है मॉर्निंग में फेस वॉश करने के बाद। रेडी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे इतना मॉर्निंग में भूख नहीं लगता है। मैं पहले भी ब्लॉग में आप लोग को बताई हूँ, मुझे आफ्टरनून में काफ़ी भूख लगता है। तो अभी हो रहे हैं आफ्टरनून और मुझे मन नहीं लग रहा था, तो मैं वीडियो शूट कर रही थी मेकअप से रिलेटेड। तो लुक एट दिस, अभी देख सकते हैं कि मेरे फेस पे पूरा सब लीपा पोती जो मैंने किया है वो सब यहाँ पे है। और अब मुझे रिमूव करना है, ड्रेस तो चेंज कर लिया है, मेकअप को रिमूव करना है ही नहीं है। तो मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि अगर वो रहता है तो 10 मिनट का मेरा वीडियो अगर है तो वो खींच के मतलब 30 मिनट टाइम बर्बाद कर देता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है बहुत ज़्यादा। पर नहीं है तो मन भी नहीं लग रहा है, बहुत मिस भी करती हूँ। मैं फटाफट मेकअप को कर लेती हूँ रिमूव, नहीं तो छोटे छोटे दाने आ जाएंगे, बहुत देर मैं नहीं लगा के रख सकती। तो फाइनली मैंने अपना मेकअप को कर लिया है रिमूव, बना बना के गई हूँ थक। तो मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ, क्योंकि मेरी बहन और मेरे पापा भी सो रहे हैं। और आफ्टरनून में आप क्या करोगे बताओ, आफ्टरनून में क्या कर सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। काम ख़त्म करके आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है, क्योंकि कंटिन्यू 2 दिन से बारिश हो रहा है और आज भी बारिश हो रहा है, तो मौसम ठंडा ठंडा है। तो लुक एट दिस, मेरा फैन भी यहाँ पे बंद है और ऐसा कुछ भी गर्मी वगैरह ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, पर रुक रुक के बारिश हो ही जा रही है। और ऐसा मौसम विभाग की तरफ से है कि अभी 1-2 दिन और बारिश हो सकती है, तो बारिश का मज़ा लेते हैं और सो जाते हैं।
तो मैं रेस्ट करने के बाद वो घर वाला चिप्स को मैं करने वाली हूँ फ्राई। तो यहाँ पे मेरा जो चिप्स है वो रेडी काम हो चुका है। 4:30-5 लगभग बजने वाले हैं और बाहर का मौसम जो है वो काफ़ी प्यारा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हवा चल रहा है और बहुत क्लाउडी सा मौसम है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ी भूख लग रही है तो मैं कुछ खा भी लेती हूँ। और बाल देखो कुछ ऐसा है, मैंने मेकअप रिमूव करके सोया था और फिर उसके बाद अभी मैं बाल वाल बांध लेती हूँ। आए मैं गर्मी के मौसम में ज़्यादातर मेरा आप ऐसा ही देखोगे, मैं हमेशा बाल बांध के ही रखती हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। ये देखो मैंने कितना मेकअप रिमूव करके सोया था लेकिन फिर भी काजल अभी तक हटा नहीं है। मैंने ऐसे टॉवल में काजल पोंछ लिया, अगर मम्मी अभी होती ना तो बड़ी सुनाती, बहुत सुनाती है कि जब देखो जो टॉवल में मेरी और मेरी बहन का मेकअप उसमें मतलब पोछा ही रहता है, काजल वगैरह वो सब मैं कर देती हूँ तो मम्मी से बहुत डांट लगता है। थोड़ी थोड़ी वाली भूख लग रही है जो कि शाम वाली भूख होती है वो वाली, तो अभी मम्मा होती तब तो उनको कुछ बोलती कि मम्मी भूख लग रहा है कुछ बनाओ ना, उसमें भी डांट लगता है, इतनी बड़ी हो गई है मैं बना के दूँ, खुद बनाओ और हमको भी खिलाओ, तो ऐसा कुछ बनाते हैं तो अभी खाते हैं, क्या खाएं, बनाने का कुछ मन नहीं कर रहा है तो खा लेती हूँ क्या, मिक्सचर मुझे पसंद नहीं है तो सेव खा लेते हैं, ठीक है टीवी देखते हैं और सेव खा लेते हैं। स्नैक्स तो सेव के साथ मैंने यहाँ पे हल्का सा मुरही ऐड किया है, मुरही इसको हम लोग बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो। और इसके साथ मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ फ्राई वाला चिली जो कि मुझे तीखा बहुत पसंद है इसलिए। तो मेरी बहन भी अभी फ्रेंड के साथ बाहर गई है तो मैं अकेले ही इसे इंजॉय करने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरी बहन रहती तो वो पक्का इसमें से हाथ मार ही लेती, खुद तो वो बना नहीं सकती है, खुद तो वो कुछ कर नहीं सकती है, बना बनाया मिलता है और मेरा पक्का है कि वो छीन के खाएगी ही। टीवी को करते हैं ऑन फिर उसके बाद तो यहाँ पे मेरा टीवी हो चुका है ऑन और मैं अभी इंजॉय करने वाली हूँ। फाइनली मैंने जो शाम का नाश्ता स्नैक्स है वो ख़त्म कर लिया, बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है, मैं एक्स्ट्रा ऊपर से मिर्ची लेके खाती हूँ इसलिए। और अभी मौसम कुछ ज़्यादा ही अंधेरा अंधेरा वाला हो गया है और लगता है बारिश होने, वीडियो एडिट कर लेती हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन से मैं वीडियो बनाती हूँ तो बहुत सारा स्पेस नहीं रहता है, तो एक दो क्लिप जो होता है वो बहन के फ़ोन से में मैं डाल देती हूँ, रखती हूँ ताकि ये स्पेस ना फुल हो, तो मैं उसमें एडिट करके और फिर उसके बाद अपने फ़ोन में ले लेती हूँ। तो मैं तो अब मैं डिनर का प्रिपरेशन करने वाली हूँ और डिनर में आज बनने वाला है लेडी फिंगर ग्रीन वेजिटेबल। कहा था ना कि कभी भी बारिश हो जा रही है और अभी बहुत तेज वाली बारिश हो रही है, आपको दिख रहा होगा, मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गया हो। सब्जी बनाना पड़ दिस, मैं ही यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ क्योंकि मेरी बहन फ्रेंड के साथ बाहर गई थी, उसके घर कुछ काम था तो, और इतनी तेज वाली बारिश हो रही है कि वो वहाँ पे फंस गई है, अब बारिश कम होगा तभी वो आएगी। तैयारी कर रही हूँ, यहाँ पे आटा मैंने गूंध के रख लिया है और रोटी मैं रेडी करने वाली हूँ, फटाफट मैं रोटी रेडी कर लेती हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट रोटी रेडी है, आज का सारा काम हो गया, सुबह से लेकर रात तक का जो भी रूटीन था, मम्मा के जाने के बाद मुझ पे कितना बड़ा बड़ा प्रेशर आ जाता है, पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि बड़ी बहन है तो फ़ायदा 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 है, पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर की और शाम में जो मैं फ़ायदा उठाने वाली थी वो भी नहीं हुआ, बारिश के कारण मुझे ही सारा काम करना पड़ा। और अभी मैं फ़ैन में अच्छे से रिलैक्स हो गई हूँ और अभी मैं फ़ेस वॉश भी कर ली हूँ और मैं यहाँ पे नाइट केयर जो रूटीन है वो मैं फॉलो कर रही हूँ, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और विटामिन सी एंड ई का भी मैं अल्टरनेट में यूज़ करती हूँ तो उसका भी मैं वीडियो बनाई हूँ, अभी रिसेंटली ही डाली थी,
तो उसका भी मैं डाल दूंगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख लेना। यहाँ पे अप्लाई कर लिया है, लुक एट दिस, कितने शाइनी शाइनी लग रहे हैं ना, और स्किन भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। तो आपने देखा ना मम्मी के जाने के बाद का ब्लॉग मेरा वन डे कैसे गुजरता है, और कहीं पे भी मम्मी जाती है छोड़ के, भाई को तो साथ में ही लेके जाती है, हम दोनों को छोड़ के जाती है, और सारा प्रेशर मेरे ऊपर आ जाता है। बस नाम की बड़ी बहन है, अगर मेरा ये वीडियो जो बड़ी बहन देख रही है वो बताना क्या आप लोग के साथ भी ऐसे ही प्रेशर आ जाता है, या फिर छोटी बहन आप लोग को काफ़ी हेल्प करती है। मेरी तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती है, वो भी ये वीडियो देखेगी, पर जो बात सच है वो सच है। मैं ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, तो मेक श्योर आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।